इस वक्त की बड़ी खबर लोजपा से आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी में बड़ी टूट की खबर है। जानकारी के अनुसार पार्टी के सांसदों ने रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को अपना नेता मान लिया है। इस खबर के बाद लोजपा में भूचाल मच गया है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें 6 सांसदों वाली लोजपा में अधिकांश सदस्यों ने पारस में अपनी आस्था जताते हुए समर्थन दे दिया है। इस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले लोजपा टूट के करीब पहुंच गई है। अब सिर्फ आधिकारिक घोषणा होना शेष रह गया है। बता दें कि लोजपा मिट्ठू को लेकर अंदर ही काफी दिनों से कोशिश चल रही थी। जानकार बता रहे हैं कि पटना में 2 दिन पहले जेडीयू के कद्दावर नेता और सांसद ललंग सिंह ने पशुपति कुमार पारस से मुलाकात भी की थी। इधर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा में टूट की खबर सामने आने के बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हमने बड़ा हमला बोला। हमने कहा कि अकेले चिराग ने रामविलास पासवान के सपनों के बंगले में आग लगा दिया। आपको फिर से बता देते हैं कि 6 सांसदों वाली पार्टी चिराग पासवान की लोजपा, उसमें बड़ी टूट जो है वो हो गई है। जानकार बताते हैं कि सांसदों ने रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को अपना नेता जो है वो मान लिया है। और ये खबर निकलते ही लोजपा में जो है वो भूचाल सा आ गया है। लोगों ने चिराग पासवान से अपनी आस्था जो है वो हटा दी है। लगातार चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार को लेकर के हमलावर रहते थे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पशुपति कुमार पारस को तमाम सांसदों ने जो है अपना नेता मान लिया है। सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि 6 सांसदों वाली लोजपा के अधिकांश जो सदस्य हैं उन्होंने पशुपति कुमार पारस पर अपनी आस्था व्यक्त की है और उन्हें ही अपना नेता माना है। इस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले लोजपा टूट के करीब पहुंच गई है। अब सिर्फ आधिकारिक घोषणा होना शेष रह गया है। बता दें कि लोजपा मिट्ठू को लेकर अंदर ही अंदर काफ़ी दिनों से कोशिश चल रही थी। जानकार बता रहे हैं कि पटना में 2 दिन पहले जेडीयू के कद्दावर नेता और सांसद ललन सिंह ने पशुपति कुमार पारस से मुलाकात भी की थी और इसके बाद से आज बड़ी खबर निकल करके आई चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कि चिराग पासवान की 6 सांसदों वाली पार्टी लोजपा में बड़ी टूट, जिसके बाद से अब जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से भी बड़ा हमला बोला गया है। और हमने कहा है कि अकेले चिराग ने रामविलास पासवान के सपने के बंगलों में आग लगा दी है। आपको बता दें लगातार चिराग पासवान जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कटाक्ष करते रहते थे और चुनाव के समय उन्होंने NDA से अलग होकर के नीतीश कुमार के खिलाफ NDA के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसके बाद से लगातार ये खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच अनबन की खबर लगातार चलती रहती थी। और अब एक बड़ी टूट LJP के अंदर। अब देखना होगा कि आगे आखिर क्या कुछ होता है।